तो निशम जैम बोर्ड खोल लेना, या मैं तुम्हें ना लिंक भेज रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंपेयर स्ट्रिंग्स है। एक मिनट, उसका लिंक भेज देता हूँ पहले। ओके हाँ, ये देखो चैट में लिंक भेजा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ देख रहा हूँ। खुल गया क्वेश्चन? एक सेकेंड। हाँ खोल लिया। हाँ, तो एक बारी क्वेश्चन को खोल के, और फिर इसमें क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन का नाम है कंपेयर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो कंपेयर स्ट्रिंग्स में ना इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, कि हमें ना जैसे जो ये एक स्ट्रिंग गिवन होगी, मतलब दो स्ट्रिंग गिवन होगी बेसिकली, ए एंड बी, और उसमें ना क्यू क्वेरीज गिवन होंगी, और जो स्ट्रिंग्स होंगी हमारी वो ना जीरोज और वन के फॉर्म में होंगी, मतलब बाइनरी फॉर्म में होंगी वो स्ट्रिंग्स। ठीक है, और उसके साथ ही हमें जो क्वेरीज है ना, मतलब क्वेरीज के फॉर्म में हमें इंडेक्स गिवन होगा उस स्ट्रिंग का, मतलब कोई भी एक आई इंडेक्स गिवन होगा, और उस इंडेक्स पे ना हमें जैसे जो बी की वैल्यू है, एक मिनट मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ, तुम उस पर आ जाओ एक बारी, जैम बोर्ड पे आ जाओ। जैम बोर्ड पे आ गए, फर्स्ट पेज पे आ जाओ। तो यहाँ फर्स्ट पेज पे देखना, अब दिख रहे हैं मैंने नीचे यहाँ पे वो इनपुट लिखी हुई है जो उन्होंने दी है, ये दिख रही है 5 5, और दिख रही है। तो इसमें ना मतलब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें जैसे ये जो इनपुट है ना, एक मिनट, ये जो चीज दिख रही है, ये हमें जो 5 5 और ये जो नीचे के दो दे रखे हैं ना, ये 1 1 और ये 0 0 वाला पार्ट, एक मिनट। हाँ, तो हमें जो ये चीज दे रखी है ना, ये दोनों हमें जो है स्ट्रिंग दे रखी है, ये ऊपर वाली ए है और नीचे वाली है बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ना जो इंडेक्स, ये जो हमारे नीचे इंडेक्स है ना, ये हमें इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, और जो इंडेक्स है ना इसमें वो 1 से स्टार्ट है। ये याद रखना कि जो आई की वैल्यूज है ना वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ना जैसे बी की वैल्यू में जो इंडेक्स गिवन है उस इंडेक्स पे जाके, अगर जैसे 0 है ना वहां पे, तो हमें उस 0 को 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद ना हमें कंपेयर करना है कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है ना, ए और बी, ये लेक्सोग्राफिकली जो बी है वो बड़ी है या नहीं। ठीक है, लेक्सोग्राफिकली तो पता है ना क्या होता है। हाँ, रिवर्स कर गए। नहीं, लेक्सोग्राफिकली में होता है कि हमें ना मतलब कंपेयर करना होता है कि जो हमारा कैरेक्टर है जैसे स्ट्रिंग का, वो वैल्यू उस मतलब उस इंडेक्स पे बड़ी है या नहीं। जैसे हमें मान लो जैसे यही दे रखा है ए और बी, इसी कंडीशन में अगर हम देख लेते हैं कि 1 1 1 3 4 बार ले लिया हमने, और ये जो है ना ये 1 0 1 ऐसे है। ठीक है, ये ए है ऊपर वाला और ये बी है। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि हमारी जो दोनों वैल्यूज है, अगर हमें यही कंपेयर करना है कि लेक्सोग्राफिकली कौन सी बड़ी है, तो हम ना एक एक कैरेक्टर करके देखते हैं। हम मतलब लेक्सोग्राफिकली में ना हम जो कंपेयर करेंगे वो एक एक कैरेक्टर करके देखेंगे कि अगर हमारी जैसे यहाँ पे 1 और 1 है तो ये तो सेम है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे दोनों में, फिर यहाँ पे भी 1 और 1 है, ये सेम है, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, यहाँ पे 1 और 0 है, तो इस केस में ये वाला जो 1 है ये बड़ा होता है ना 0 से, तो इस केस में हम आगे नहीं देखेंगे, हम यहीं पे ही मतलब खत्म कर देंगे कि हमारी जो ये जो स्ट्रिंग है ना ए, ये बड़ी है बी से, क्योंकि अगर मान लो आगे वाली वैल्यूज बड़ी भी हो गई बी की, अगर मान लो वैल्यूज जैसे मान लो यहाँ पे 0 होता है ना, तो अगर हमारी मान लो ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है बी की है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी जो ये पहले वाली वैल्यू है यही बड़ी हो गई है, क्योंकि ये तो देखो ऐसे ही होता है ना, देखो ये तो क्या हो गया, ये 1s हो गया है ना, ये 1s, ये 10s, ऐसे करके हम देखते हैं, तो जो मतलब इधर वाली जो लेफ्ट मोस्ट होगी वो सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो अगर हम लेफ्ट से ही देखते हुए आएंगे और हमें दिख गया कि हमारी कोई एक वैल्यू जो है वो ए या बी में बड़ी है ना, तो हम तो वहीं खत्म कर देंगे कि हम आगे वाली अगर मान लो दूसरी स्ट्रिंग में वैल्यूज बड़ी भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो सारी छोटी है ना इससे, समझ रहे हो मेरी बात।
हाँ समझ है ना? गया। तो लेक्सोग्राफिकली में यही होता है कि हम ना कैरेक्टर वाइज उसे सर्च करेंगे कि कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को, कि जो अगर किसी भी केस में बड़ी मिल गई ना, तो हम वहीं पे उसे बोल देंगे कि हमारी जो ये स्ट्रिंग है ना, ये बड़ी है, आगे वाले कैरेक्टर्स चाहे कैसे भी हो, ठीक है? तो अभी देखना, अभी हमें क्या करना है कि जैसे मान लो हमें जो कंडीशन गिवन है, हमें ना जैसे इंडेक्स की वैल्यू 1 दे रखी है ना? इस केस में तो 1 ही है। अगर मान लो मैं जैसे इनपुट की वैल्यूज ही ले लूं, है ना, इनपुट में कितने दे रखी है, इनपुट में हमें 5 वैल्यूज दे रखी है, 1, और ये दे रखा है कितना, 100010, ठीक है? हमें बोला है कि जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे जाके और हमें जो है ना इस 0 को काट के क्या करना है, 1 करना है, ठीक है? फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मेरी जो स्ट्रिंग बनेगी, अब मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी, अब ये बनेगी, ठीक है? फिर मैं कंपेयर करूंगा कि ये जो मेरी ए है और जो बी है, इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है? तो अगर मेरी बी बड़ी हो जाती है तो मेरे को येस करना है, और मेरे को अगर ए बड़ी मिलती है तो मेरे को नो करना है, ठीक है? तो देखो, अब मैंने यहां पे देखा मेरी ये जो ये वाला इंडेक्स है फर्स्ट, इसमें तो 1 और 1 सेम है ना? तो ये तो मैं इस कैरेक्टर को छोड़ के आगे कैरेक्टर पे जाऊंगा, यहां पे देखूंगा ये 1 और ये 0 है, ठीक है? तो मैं यही देख लिया कि मेरी ये वाली जो स्ट्रिंग है ए, वो बड़ी हो गई किससे, बी से, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नो, ठीक है? ये इनपुट समझ आया? अच्छा, मतलब जो बी है वो जो हमें स्ट्रिंग दे रखी है बी, हाँ, उसमें हमें 0 जो कन्वर्ट करना है 1 में, वो पहले वाला करना है 0, नहीं, मतलब जो हमें ये लेफ्ट इंडेक्स दे लेफ्ट से रखे हैं फर्स्ट है ना। वही करना है ना। हाँ, हमें लेफ्ट से फर्स्ट अच्छा, वो आना इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स ठीक है, समझ गया समझ समझ गए गया, इंडेक्स ना? के हिसाब से हाँ, करना। इंडेक्स हमें गिवन है, ये देखो, एक मिनट, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली, ये सारी क्या है, इंडेक्स की वैल्यूज है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हमें ना यहाँ से देखते हुए चलना है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके इंडेक्स वैल्यूज है। तो हमें अगर 1 पे दे रखा है, हमने 1 पे कर दिया, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, एक मिनट, हाँ, तो फिर मैं देखूंगा मेरे को सेकंड इंडेक्स दे रखा है, मैं सेकंड इंडेक्स पे भी जाके ना बी की वैल्यू को चेंज करना है, मेरे को 0 से 1 करना है, ठीक है? यहाँ पे भी 0 से 1 करना है, ठीक है? और फिर मेरे को कंपेयर करना है कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, मैं मतलब उसी इंडेक्स को चेंज करूंगा बस, और मैं पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करूंगा, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग को। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे 1 अच्छा, है, यहाँ मतलब पे वो भी बी जो 1 है, सुनो, है। हाँ जो बी है वो अगर तूने जैसे फर्स्ट को चेंज करा तो फिर वो होगी थी 1 0 0 1 0, अब हाँ तूने जब 2 को चेंज करा तो वो 1 1 0 1 0 ऐसे ना, हाँ, वो मेंटेन रहेगी, ये तो हाँ, नहीं हुआ 0 1 0 1 0, वो मेंटेन ही रहेगी, वो 1 ही रहेगी, ठीक है। ठीक है ना? तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने 1 को कर दिया इसको, ठीक है? फिर मैं इसमें कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे भी मेरा 1 की जो वैल्यू है ना इस इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, ये बड़ी हो गई, तो मेरा ए अभी भी बड़ा हो गया, तो मैं आउटपुट कर दूंगा नो। ऐसे कर करके ना मेरे को 5ों तक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी देखूंगा, इसमें भी मैंने 1 किया, तो यहाँ पे 1 और 1 जो है थर्ड इंडेक्स पे सेम है, फिर मैं फोर्थ पे चेक करूंगा, फोर्थ पे भी सेम है, फिर मैं फिफ्थ पे चेक करूंगा, तो फिफ्थ में जाके जो है ए बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है? तो मैं फिफ्थ इंडेक्स तक, क्योंकि मेरे को 1 2 3 4 5 इंडेक्स दे रखे हैं, तो मैं 1 से 4 तक के केसेस में क्या करूंगा, नो आउटपुट करूंगा, और मैं जो फिफ्थ का इंडेक्स जैसे चेंज करूंगा ना, मैंने जैसे मान लो इस 0 को 1 कर दिया, तो अब मेरी क्या वैल्यूज हो गई, अब मेरी ये सारी वैल्यूज जो है 1 में बदल गई है ना, और यहाँ पे भी 1 था। तो अगर मेरे को ए और बी बराबर मिल गया या फिर उससे बड़ा मिल गया, है ना, मतलब बी का जो स्ट्रिंग है, ये चेक करना है हमें कि अगर हमें बी की स्ट्रिंग बड़ी मिल गई या फिर बराबर मिल गई, है ना, तो मेरे को क्या करना है, आउटपुट येस करना है, ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो मेरे को फिफ्थ इंडेक्स पे जाके ना ये चीज मिल जाएगी कि दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हो गई, तो मैं येस कर दूंगा इस केस में, समझ गए? हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इसे अप्रोच कैसे करते हैं, एक बारी सेकंड या इसी में समझा देता हूं मैं। देखो, ये चीज देख रहे हो, ये जो मैंने यहां बना रखा है, ये हमारे केसेस हैं, ठीक है? मतलब जैसे मान लो मेरे को एक ये स्ट्रिंग दे रखी है, ऊपर वाली ए और नीचे वाली बी, ठीक है? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अगर कंपेयर करना है ना, तो मेरे पास केसेस क्या क्या बनेंगे, या तो मेरे पास एक इंडेक्स पे 1 और 1 आ सकता है सेम टू सेम, है ना, या तो मेरे पास उसी इंडेक्स पे 0 और 1 बन सकता है, या तो मेरे पास उसी इंडेक्स पे ये 1 और 0 बन सकता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, या तो मेरे पास 1 और 0 बन सकता है, या तो मेरे पास यही चीजें बन सकती हैं, ठीक है? या तो 1 और 1, और या फिर मेरे पास ऐसे भी बन सकता है कि 0 और 0, ठीक है ना? तो अब देखना मेरे पास इन केसेस में से, ये इन दोनों केसेस मतलब इन इन केसेस में से मेरे पास कौन सी वैल्यूज होंगी जिससे कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो बड़ी या छोटी कंपेयर कर सकूं मैं, है ना? क्योंकि देखो, ये वाला जो 1 और 1 है, ये तो एकदम सेम वैल्यूज हैं, तो ये मेरे को कंपेयर करने में तो कोई हेल्प नहीं करेंगी, तो मैं इस केस को तो रहने देता हूँ। ऐसे ही मेरा 0 वाला भी केस है, इसमें भी कोई हेल्प नहीं होगी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है। मेरे को हेल्प कहाँ मिलेगी, मेरे को 0 और 1 वाले में हेल्प मिलेगी, और 1 और 0 वाले में हेल्प मिलेगी, ठीक है? ये जो दोनों केसेस है ना, ये मैं कंपेयर करूंगा कि अगर मेरी वैल्यू मान लो 1 और 0 है, मतलब ए की जो उस कैरेक्टर पे इस इंडेक्स पे वैल्यू 1 है ना, और बी की वैल्यू क्या है उस इंडेक्स पे 0 है, तो अगर मेरे को 1 और 0 ये वाला केस मिल गया है ना, ए पे 1 और बी पे 0,
तो मेरे को क्या करना है, उस इंडेक्स पे जाके मेरे को सबसे पहले बी की वैल्यू को तो वन कन्वर्ट करना है ना, और फिर मेरे को आगे वाली वैल्यूज को देखना है कि दोनों स्ट्रिंग को मिला के, कि अगर किसी भी इंडेक्स पे मेरे को मतलब जो बी की वैल्यू है, मेरे को अगर बी की वैल्यू बड़ी मिल जाती है ना किसी भी इंडेक्स पे, क्योंकि मैंने समझाया था अगर किसी एक भी इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू बड़ी मिल गई, जैसे मान लो यहाँ वन मिल गया और यहाँ जीरो मिल गया, तो मैं आगे कम आगे नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू बड़ी होती है ना आगे वाली वैल्यू से, तो मेरे को यहीं पे ही अगर वन मिल गया तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा कि मेरी जो बी है वो बड़ी है, और मैं यस रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है ना मेरे को आगे तक एंड तक जाके, है ना, या मेरे को किसी भी वन की वैल्यू में, या ठीक, या मतलब मेरे को मान लो यहाँ पे वन मिलता और यहाँ जीरो मिलता, है ना, समझ रहे हो, तो मेरे को यहाँ पे वन मैं बोल देता कि ए मेरा बड़ा है बी से, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। हेलो, ठीक है। तो अब देखना ये जीरो और वन वाला केस देख लेते हैं। अगर मेरी मान लो ए पे जो वैल्यू है, मेरी ए पे वैल्यू किसी इंडेक्स पे जीरो है और बी पे वैल्यू क्या है वन है, तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को यही दिख गया कि मेरे इसी इंडेक्स पे ही बी की जो वैल्यू है वो वन है, मतलब बड़ी है, और ए की वैल्यू छोटी है। अब मैं आगे देखूंगा ही नहीं, क्योंकि आगे वाली वैल्यू तो सारी छोटी होंगी ना इस इंडेक्स के बाद, है ना, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा कि मेरी जो मतलब स्ट्रिंग है वो बी वाली बड़ी है और ए वाली छोटी है, तो मैं यस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो बस मेरे को इतना ही देखना है कि दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर करके, सबसे पहले तो इंडेक्स जो गिवन है ना, ये वाले इंडेक्स, मेरे को इन इंडेक्स की वैल्यूज को सबसे पहले वन में कन्वर्ट करना है ना, और उसके बाद मेरे को क्या करना है कि जो मेरी वैल्यूज बनेंगी ना, मतलब बाकी की, वो सारी कंपेयर करते जाना है एक एक करके, और किसी भी वैल्यू पे अगर मेरे को कोई भी एक मतलब वन जीरो अलग अलग मिल गया, तो मैं वहां से रिटर्न कर दूंगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है ना वो बड़ी है दूसरी से, ठीक है। तो एक बार कोड पे आ जाओ, देखो इस कोड में हमने क्या किया है, अब हमें ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमें बस केसेस बनाने हैं इसमें, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक सेट बना लिया जिसमें कि मैं अपनी क्या करूंगा, मैं वो वाली जो कंडीशंस है ना वो चेक करूंगा। देखो जैसे मैंने क्या किया, इस वाले इस पे आओ, मैंने एट्थ लाइन में आओ, पहले एट्थ लाइन में मैंने एन क्यू और ए बी का इनपुट ले लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसके बाद मेरे को जो ये फॉर लूप लगाया मैंने, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है ना ए और बी, मैं स्ट्रिंग में से कंपेयर करूंगा दोनों वैल्यूज को कि मेरी ए मतलब वन और जीरो कहाँ कहाँ पे है, समझ रहे हो, मतलब मैंने वो जो केस बताया था ना कि ए की वैल्यू अगर जीरो है और बी की मतलब ए की वैल्यू अगर वन है और बी की वैल्यू जीरो है, जो मेरा ये वाला केस है 13th लाइन में जो मैंने इफ कंडीशन लगाई है वो यही वाली लगाई है कि अगर मेरा वन और जीरो है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को उस केस में क्या करना होगा, मेरे को उस केस में जो बी की वैल्यू है उसको वन में कन्वर्ट करना होगा, है ना, अगर मेरे को इंडेक्स में वो इनपुट दे रखी है, मतलब अगर मेरी टेस्ट केस में वो वाली इनपुट है, वो वाला इंडेक्स है, तो मेरे को चेंज करना होगा। तो मैंने इसके लिए क्या कर लिया है, मेरे को जो जो वैल्यूज चेंज करनी होंगी ना अगर, तो मैंने उनको अलग एक सेट में वो कर लिया है सेम, समझ रहे हो, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना यही मेरे को क्या करेगी, यही मेरे को डिफाइन करने में मदद करेगी कि जो मेरी स्ट्रिंग्स है ना वो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो अब मैं और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी जीरो और वन वाली, कि अगर मेरा ए की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू वन हो, तो उस केस में तो मेरी बी जो है वो वैसे ही बड़ी हो जाएगी, है ना, तो मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसी टाइम क्या करूंगा, फॉर लूप से बाहर निकल जाऊंगा अपने, कि मेरा उसी इंडेक्स पे क्या है, बी की जो स्ट्रिंग है वो बड़ी हो गई ए से, ठीक है, इतना समझ आ गया, है ना। उसके बाद क्या करूंगा, मैं एक फ्लैग बनाऊंगा जिससे कि मेरे को ये आइडिया लगता रहे कि मेरी जो वैल्यू है ना, मतलब मेरे को कब जो है ये देखना है कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो पूरी मैंने कंपेयर कर ली है। मतलब देखो जैसे मान लो मेरे को, मैंने 23 लाइन से देखना, मैंने एक अपनी क्वेरीज को इनपुट लिया, ठीक है, मैंने इंडेक्स वो इनपुट लिया जो मेरे को चेक करना है, मतलब कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने ना ये जो सेट चेंज किया था, सेट में मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, वो वन और जीरो वाली, जो कि मेरे को क्या करनी थी, मेरे को कन्वर्ट करनी है आगे चल के, है ना। फिर मैं ये देखूंगा कि जो मैंने सेट में वो मतलब वैल्यूज क्या है, वो एक तरीके से आई की वैल्यूज हैं जो कि इंडेक्स है, तो मैं वही देखूंगा, और जो मेरे को गिवन है वो भी इंडेक्स है, तो मैं फाइंड करूंगा कि अगर मेरे को जो इनपुट है वो मेरे को मतलब जो मतलब सेट में वैल्यूज है वो मेरे को अगर इनपुट में दे रखी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वाली वैल्यूज को जो है सेट में से हटा दूंगा। सेट में से हटाने का मतलब समझ आ रहा है, क्योंकि मैं वो तो चेंज कर चुका ना, मैं उसको जीरो से वन कर चुका, अगर वो मेरे को इनपुट में गिवन है ना, और वो सेट के अंदर है, सेट के अंदर का मतलब क्या है, वहां पे बी में जीरो है, तो मैं वहां पे चेंज कर चुका हूं, तो मैं वहां से हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को ये तो पता चल गया ना वहां पे अब वन आ गया है ना, ये बात समझ आ गई, मेरे को ये पता चल गया कि अगर ये इनपुट में है तो मैं वहां पे वन बना चुका हूं, है ना, और मेरे को अब बाकी जो है स्ट्रिंग आगे कंपेयर करनी है, ठीक है, ठीक है। समझ लो, और ये बात ध्यान रखना कि मैंने ये चीज क्यों करी है, एस डॉट साइज अगर बराबर जीरो है
तो ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि ना अगर मेरे को देखो, अगर मान लो 0 और 1 में से एक भी चीज रह जाती है, एक बारी जैम बोर्ड पे आओ, जैम बोर्ड पे आओगे या ऐसे ही समझा दूं? आ जाता हूँ जैम बोर्ड हाँ, पे। एक बारी जैम बोर्ड पे आओ, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो जैसे ये चीज गिवन है, हाँ ठीक है ना, ये मान लो ये चीज गिवन है, या इधर भी 0 रख लेते हैं, तो ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को ये वाला इंडेक्स गिवन है, ये 1 2 3, ये मेरे को थर्ड इंडेक्स गिवन है ना, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया 1 में, ठीक है। तो अब मैंने अगर यहाँ पे चेक करा ना, तो मेरे को ये पता चल रहा है अभी भी मेरे पास ये वाला इंडेक्स जो है ना, इसमें वैल्यू क्या है, ए की बड़ी है बी से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक भी कंडीशन है ना जो कि ऐसे बची हुई है जिसमें कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो मेरे को क्या पता चलेगा उस केस में कि मेरा जो आंसर है वो नो ही आने वाला है, क्योंकि जो मेरी ए की स्ट्रिंग है वो बड़ी है अभी भी बी की स्ट्रिंग से, है ना। ये बात समझ रहे हो, आ गया है समझ। ना। तो मेरे पास अगर एक भी कंडीशन है ना ये वाली, अगर मेरे पास 1 0 वाली एक भी कंडीशन रह जाती है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो नो ही बनने वाला है, ठीक है। तो मैं तब तक चेक करूंगा जब तक मैंने जो सेट में वैल्यूज डाली थी ना वो मेरी पूरी की पूरी खाली ना हो जाए, क्योंकि सेट में सारी वैल्यूज कौन सी थी, वो इसी केस की तो थी 1 और 0 वाली। तो अगर मेरी सेट की एक भी वैल्यू बच रही है ना, इसका मतलब मेरा आंसर जो है नो ही होगा, ठीक है। तो एक बार उसी कोड पे आ जाओ, कोड पे आके देखना, आ गया। है ना। मैंने वही इफ कंडीशन लगाई है 29th लाइन में, अगर मेरा एस डॉट साइज 0 हो जाता है ना किसी भी टेस्ट केस के बाद, तो मैं वहां पे फ्लैग 1 कर दूंगा, मतलब मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया कि मेरा अब जो है ना आंसर वो, मतलब मैंने उसे एक कंडीशन दे दी कि हाँ, मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि मेरा आंसर अब फ्लैग 1 बन रहा है, और मैंने यहीं पे इफ कंडीशन लगा दी कि अगर मेरा किसी भी केस के बाद फ्लैग 1 बन रहा है, यही मतलब तो जो फिर है वो ना, नो हाँ आ जाएगा, हाँ तो मेरा यस आएगा, और उसके अलावा अगर, यस आ जाएगा। हाँ, और उसके अलावा किसी भी केस में नो आ जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ ठीक तो अगर है, इस कोड में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं आ गया समझ। हाँ ठीक है, तो फिर